साथियों जय यीशु की, आज चालीसा का चौथा रविवार है। हम दिन प्रतिदिन पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए कलीसिया के द्वारा बुलाए गए हैं। आज हम समझना चाहेंगे विभिन्न पाठों के माध्यम से जो बाइबल में हमें बताया गया है, अंतर्दृष्टि और बाह्य दृष्टि। साथियों, बाह्य दृष्टि वो है जो हम लोग देखते हैं अपनी आँखों से, जो दिख रहा है हम उसे ग्रहण करते हैं। जब हम देखते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं, तो हमारे दिमाग में वो बातें चलती है और हम अपने हिसाब से उसे मनन चिंतन करते हुए, दिमाग से सोचते हुए एक धारणा बना लेते हैं। वो अंतर्दृष्टि कई बार ठीक नहीं हो पाती, क्योंकि अज्ञानता कारण हो सकता है या अनुचित जानकारी है, यानी कि पूर्ण जानकारी नहीं है, और या फिर हो सकता है कि हम आत्म केंद्रित हैं, यानी कि हम बाहर निकल के कुछ और दूसरा सोचना नहीं चाहते हैं। साथियों, आप और मैं कई बार इस प्रकार के अंतर्दृष्टि से ग्रसित रहते हैं। साथियों, इसके साथ में जरूरी है, जब हम अंतर्दृष्टि होते हैं, ये इतनी आसानी से जानकारी हमें नहीं मिलती, न ही हम दिमाग के माध्यम से शब्दों पर और शब्दों के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर पाते हैं। जबकि बाह्य दृष्टि के कारण से हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और हम कह डालते हैं। आज कुछ सुसमाचार में इसी प्रकार की घटना हमें दिखाई देती है। प्रभु के पास में हम देखते हैं अक्सर लोग आते हैं चंगाई के लिए, लेकिन आज के सुसमाचार में हम पाते हैं प्रभु उस अंधे के पास में जाते हैं और उसे चंगाई देते हैं। इसे देख करके उस समय के जो अपने आप को महान व्यक्ति समझते हैं, जो धर्म के बारे में जानकारी रखते हैं, उन्हें ऑब्जेक्शन होता है कि जिस दिन कार्य करने के लिए वंचित किया गया है, उसी दिन प्रभु इस प्रकार का कार्य क्यों कर रहे हैं? क्या प्रभु को नियम कायदे कानून की जानकारी नहीं है? दूसरा, उस जो व्यक्ति चंगा होता है उसके पास में जाते हैं और ये विश्वास नहीं कर पाते कि वो क्या जन्म से ही अंधा था। इसमें प्यारे भाई बहनों, आज हम इसे भी मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु कहता है वह संसार की ज्योति है। यदि हम उसको धारण करेंगे तो हम वह ज्योति की मशाल लेकर के आगे बढ़ पाएंगे और वह ज्योति से ज्योति बनती जाएगी और हम हर इंसान को प्रकाशित कर पाएंगे। लेकिन जरूरी है कि हम बाह्य दृष्टि के संदर्भ में नहीं, बल्कि अंतर्दृष्टि को ज़्यादा समझने की कोशिश करें। और यही कारण था कि प्रभु के विरुद्ध काफ़ी लोग थे, लेकिन जिसे चंगाई मिली वह अंतर्दृष्टि से मजबूत था। उसने बाह्य रूप से देखना शुरू किया, लेकिन अंतर्दृष्टि उसकी और मजबूत रही। इसी कारण से वह समझ पाया, और जो समझ पाया वह उसे प्रदर्शित करता है अपने भावों के द्वारा, और इसलिए प्रभु से कहता है कि मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। इसमें प्यारे भाई बहनों, हम डर का अनुभव करते हैं, क्योंकि हम अज्ञानता के कारण हो सकते हैं। यदि हमें जानकारी नहीं है तो हमें डर लगता है और किसी बात को हम पूर्ण रूप से कह नहीं पाते हैं या फिर विचलित होते हैं। यदि हमें ज्ञान पूरा है किसी बात का, तो हम बिना किसी बात के संकोच किए हम उससे धड़ल्ले से बोल सकते हैं, निडर होकर के बोल सकते हैं, क्योंकि हमें उसका पूरा अर्थ पता है या हमें उसे पूरी जानकारी है। इसी प्रकार हम घृणा करते हैं। घृणा हम तब करते हैं जब हम अपने दिमाग के दरवाजे नहीं खोल पाते हैं। हम अपने दिमाग के दरवाजों को बंद रखना चाहते हैं और इसी कारण से भाई वातावरण नहीं देख पाते हैं। साथियों, इसी के साथ में हम घमंड करते हैं। घमंड हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें दिखावा ज़्यादा पसंद है, और इसी कारण से दिखावे के कारण से हम जानना चाहते हैं कि दूसरे में वो खूबी तो नहीं है, और उसको हम अपने एक तरह से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं रखना चाहते हैं। प्रभु येसु के साथ में भी ऐसा ही हुआ। जब प्रभु येसु अपने शिष्यों के साथ में लोगों के लिए कार्य कर रहे थे, निर्धनता के कारण जो सताए जा रहे थे, जो बीमार थे, जो अपंग थे, जो कोई उनके पास में आया, प्रभु ये सेवा कार्य कर रहे थे, उन्हें भी शास्त्री और फरीसी इंतजार कर रहे थे कि किस न किसी रूप से यदि प्रभु कोई नियम तोड़ें तो हम उसे पकड़ें और उसे सजा दें। लेकिन प्रभु ने अपना कार्य कभी विचलित होते हुए नहीं किया, बल्कि निडर होकर के बिना हिचकिचाए अपने कार्य को पूरा किया, क्योंकि उसे
ईश्वर की कृपा प्राप्ति और ईश्वर की योजना को पूर्ण करने के लिए वो इस दुनिया में आया था। साथियों, 40 का समय प्रभु हमें यह अवसर देते हैं कि जिस प्रकार प्रभु के साथ में शास्त्री और फरीसी लगे रहे कि कब वो गलती करें और हम पकड़े जाएं, यानी प्रभु पकड़े जाएं, उसी प्रकार कई शास्त्री और फरीसी आज हमारे बीच में हैं। जो हम अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो हमें वो कार्य करने नहीं देते हैं, लेकिन हमें प्रभु के समान निडर होते हुए उस कार्य को पूरा करना है जो ईश्वर ने हमें सौंपा है। आइए 40 काल में हम प्रण लें कि हम निडरता के साथ में दूसरों की भलाई करते हुए ईश्वर की योजना को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करेंगे। आमीन।